नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। ये केवल पूजा नहीं बल्कि गौरक्षा और गौ संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में गौशालाओं के माध्यम से गोधन की सुरक्षा और संवर्धन का प्रयास, पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार पशुधन का सशक्तिकरण कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, बल्कि गौ माता के प्रति समाज में आस्था और संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहन यादव के लिए गौरक्षा सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि अपने संस्कारों का सम्मान है। अपने व्यक्तिगत योगदान और समर्पण से उन्होंने प्रदेश में कई गौरक्षा अभियान चलाए, गौरक्षा के लिए वित्तीय योजनाओं को अमल में लाया और समाज में इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उनके इस गौ प्रेम का उद्देश्य केवल गौरक्षा नहीं बल्कि एक संदेश देना है, संस्कृति और आस्था की सुरक्षा। गौशालाओं में तो खास करके जोरदार अभिनंदन करो, पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता को लेकर के पूरे देश में मध्य प्रदेश आदर्श स्थिति में आ रहा है। जब हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गोमाता में समाया हुआ है, उसी गोमाताओं के लिए हमारे सभी नगरी निकाय, अब गया जमाना जब हम कांजी हाउस और क्या बोलते खिड़क बोलते थे, जिसमें हम आमतौर पे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए जेल और गोमाता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरी निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9000 गाय कोई कल्पना कर सकते, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए, 9000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं। गौवंश संरक्षण वर्ष मोहन यादव का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौवंश संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसे गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री खुद गोवर्धन पूजा में भाग लेंगे, जो प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाएगा। इस पहल का उद्देश्य गायों का संरक्षण, गौशालाओं की स्थिति सुधारना और पशुपालकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत गौपालकों को सब्सिडी, नई क्रेडिट कार्ड योजना और पशु चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं तो हम औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। शहरी सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नए नए कारखाने खुलवा रहे हैं। एक भी युवा जिसमें टैलेंट है उसको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। गोवर्धन पूजा संस्कृति के संरक्षण का प्रयास। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। इस पूजा के माध्यम से गाय और गोबर की महत्ता पर जोर दिया जाएगा। गोबर से जैविक खाद, CNG और प्राकृतिक गैस जैसे उत्पाद बनाने की योजनाएं सामने लाई जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा। और गौशालाओं में भी CNG गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गोमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, इनके यहाँ भी बनाएंगे और देवास में भी बन रही है, हर नगर निगम के अंदर। गौशालाओं की स्थिति और विकास योजनाएं। प्रदेश में 1800 से अधिक सरकारी गौशालाएं और कई निजी गौशालाएं हैं, जिनमें करीब 4 लाख गौवंश रहते हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इन गौशालाओं को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाए। गौशालाओं में CNG प्लांट, जैविक खाद निर्माण इकाई और आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। राज्य सरकार इस दिशा में गौशाला संवर्धन योजना के माध्यम से विकास कार्य कर रही है, जिसमें गौ उत्पादों का व्यवसायीकरण भी किया जाएगा। हमारे अपने परिवार के अंदर कृषि विकास दर तो बहुत हो गई, लेकिन गुजरात की तर्ज पर आने वाले समय में सभी पशुपालकों के लिए आपके अपने घर में अगर पशुपालन होता है तो जैसे हम अपने गेहूं पे, धान पे बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध खरीदने पे भी अपनी सरकार ने निर्णय किया कि बोनस दे करके बड़े पैमाने पे पशुपालन की व्यवस्था बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता खोलेंगे। गौपालन का प्रोत्साहन, किसान और पशुपालकों के लिए लाभकारी योजनाएं।
सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें क्रेडिट कार्ड, सौर ऊर्जा संयंत्र और बोनस योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 10 से अधिक गाय पालने वाले किसान को बोनस मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य गाय पालने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसमें विशेष रूप से देसी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। उदया तिथि के आधार पर इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को शुक्रवार को मनाया जाएगा और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर 8:45 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा पर मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और भाजपा विधायक गौशालाओं में जाकर गायों की पूजा करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री से सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गौ माता के संरक्षण के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। गौ माता को लेकर कई अहम फैसले करने वाले मुख्यमंत्री ने अब राज्य की सभी गाँव में सरकारी जमीन को गोचर भूमि के रूप में मुक्त कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले की शुरुआत हो चुकी है और इसके सकारात्मक उदाहरण अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये संकल्प न केवल गौ माता के प्रति समाज की आस्था को बढ़ावा देगा बल्कि पशुपालकों और किसानों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा गाई है तो हमने अपने सभी त्योहार धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का भी निर्णय किया है। मुझे इस बात का आनंद है। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबको पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन के सरकारी आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार गोवर्धन पर्व पर प्रदेश भर की गौशालाओं में गाय का पूजन करने जा रही है। इस बार गोवर्धन पर प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक गौशाला पहुंचकर गाय की पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में सारे मंत्री, विधायक गौशाला पहुंचकर गाय की पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी ने सिंहस्थ क्षेत्र उज्जैन में जो निर्णय लिया है कि जो अखाड़ों की जगह है, संतों की जमीन है और उसमें पक्का निर्माण कर सकते हैं और पर्यावरण को बचाते हुए, और इस निर्णय का सभी संत समाज, सभी लोग उनका इस निर्णय का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस देश की जनता जितने त्यौहार हमारा हिंदू समाज मनाता है उनको सरकार भी मनाए, इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि इस बार दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें भी मध्य प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और जनता के बीच में हमारा जो त्यौहार है और कितने अच्छे पर्व मने, इसलिए पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी दो तरह की गौशालाएं हैं। प्रदेश में कुल 618 निजी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त गौशालाएं हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख गौवंश हैं। वहीं मनरेगा के फंड से सरकारी जमीन पर बनी 1800 गौशालाएं हैं जिनमें तकरीबन 2.80 लाख गौवंश हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी पहल से इस वर्ष गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसे किसानों के लिए एक ऐतिहासिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के साथ अब MSP पर सोयाबीन खरीदी का उत्सव भी जोड़ा गया है जो प्रदेश के किसानों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की है जिनमें गौपालन और सौर संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रमुख है जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।